के लिए राष्ट्रपति नजरबायेव को हार्दिक बधाई देता हूं। हमारे आतिथ्य सत्कार के लिए तथा कॉन्फ्रेंस के एक्सेलेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी मैं राष्ट्रपति नजरबायेव का अभिनंदन करता हूं। क्षेत्रीय तथा वैश्विक परिप्रेक्ष्य में शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शांति तथा सुरक्षा का एक मुख्य स्तंभ है। भारत 12 साल की ऑब्जर्वरशिप के बाद आज एससीओ की सदस्यता ग्रहण करेगा। हमारी सदस्यता के समर्थन के लिए मैं एससीओ के सभी देशों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। सदस्यता की एक्सपांशन के बाद एससीओ विश्व की लगभग 42% जनसंख्या, 20% जीडीपी तथा 22% भूभाग को रिप्रेजेंट करेगी। अतः एससीओ की प्रगति विश्व के विशाल जनमानस तथा भूभाग की उन्नति के लिए है। यह सही है कि सदस्यता हमें आज मिल रही है, किंतु आप सभी देशों के साथ हमारे संबंध ऐतिहासिक हैं। परस्पर विश्वास तथा सद्भावना हमारे राजनैतिक तथा आर्थिक सहयोग की मुख्य आधारशिला है। एससीओ देशों में हमारी सहभागिता के कई आयाम हैं: ऊर्जा, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, सुरक्षा, मिनरल्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, डेवलपमेंट पार्टनरशिप, ट्रेड तथा इन्वेस्टमेंट इसके प्रमुख ड्राइवर्स हैं। भारत की एससीओ की सदस्यता निश्चय ही हमारे सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। एससीओ देशों के साथ कनेक्टिविटी भारत की प्राथमिकता है और हम इसका भरपूर समर्थन करते हैं। हम चाहते हैं कि कनेक्टिविटी हमारे देशों की भावी पीढ़ियों तथा समाजों के बीच सहयोग तथा विश्वास का मार्ग प्रशस्त करे। इसके लिए कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स अथवा परियोजनाओं की सफलता एवं स्वीकृति के लिए संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता का आदर जरूरी तथा इनकी इंक्लूसिविटी तथा सस्टेनेबिलिटी आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर तथा चाबहार एग्रीमेंट से हमारा जुड़ना और अस्काबाद एग्रीमेंट को ज्वाइन करने का हमारा निर्णय भारत को इस क्षेत्र से और अधिक घनिष्ठ रूप से जोड़ेगा। आतंकवाद मानव अधिकारों तथा मानव मूल्यों के सबसे बड़े उल्लंघनकारियों में से एक है। अतः आतंकवाद तथा अतिवाद के खिलाफ संघर्ष एससीओ के सहयोग का अहम भाग है। मुद्दा चाहे रेडिकलाइजेशन का हो, टेररिस्ट की रिक्रूटमेंट का, उनकी ट्रेनिंग का अथवा फाइनेंसिंग का, जब तक हम सभी देश मिलकर इस दिशा में कोऑर्डिनेटेड तथा सशक्त एफर्ट्स नहीं करेंगे, तब तक इन समस्याओं का समाधान असंभव है। इस संदर्भ में एससीओ द्वारा किए गए सुदृढ़ प्रयास अत्यंत सराहनीय है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत एससीओ सहयोग आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को एक नई दिशा तथा शक्ति प्रदान करेगा। क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में अफगानिस्तान में शांति तथा स्थिरता भी एससीओ के प्रयासों से लाभ उठा सकती है। वैश्विक संदर्भ में पर्यावरण बदलाव की समस्या पर भी एससीओ अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है। इस संदर्भ में अस्ताना एक्सपो 2017 में फ्यूचर एनर्जी को थीम चुने जाने पर मैं कजाकिस्तान को और राष्ट्रपति जी को हृदय से अभिनंदन देता हूं। आज एससीओ की जर्नी में एक ऐतिहासिक मोड़ है। भारत एससीओ के साथ
एक सक्रिय तथा सकारात्मक सहभागिता की रचना के लिए तैयार तथा कटिबद्ध है। मैं एक बार फिर राष्ट्रपति नजरबायो का इस कॉन्फ्रेंस की सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ राष्ट्रपति शी चिनपिंग को चीन की आने वाली एससीओ की अध्यक्षता की सफलता के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।